हेलो फ्रेंड्स, हम लोग नीट एम्स जिमर कंबाइंड एग्ज़ाम 2020 के बायो टॉपिक टेस्ट नंबर 5 बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले वीडियो में 128 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे, अब हम लोग 129 क्वेश्चन नंबर को डिस्कस करेंगे। प्लांट डेवलप इन विट्रो कल्चर फ्रॉम पोलन ग्रेन्स आर, परागणों से इन विट्रो पौधों का विकास है। तो क्या विकास होता है इसमें? एंड्रोजन हैप्लॉइड आर कल्चर इन विट्रो आर्टिफिशियल कंडीशन में करते हैं, किसके फार्मेशन के लिए? न्यू प्लांट के फार्मेशन के लिए, न्यू प्लांट के फार्मेशन के लिए। तो न्यू प्लांट के फार्मेशन के लिए एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। पॉलन प्लांट के लिए नहीं, मेल प्लांट के लिए नहीं, स्टेराइल प्लांट के लिए भी नहीं करते। और 130 नंबर क्वेश्चन, कैलस इज, ऊतक कैलस है, कैलस क्या है? तो टिश्यू दैट फॉर्म एम्ब्रियो एंड इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट है, टिश्यू दैट ग्रो टू फॉर्म एम्ब्रियोइड अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिवली डिवाइडिंग मास ऑफ सेल मेंटेनिंग द कल्चर। तो कैलस क्या है? कैलस को हम लोग क्या कहते हैं? कैलस को हम लोग कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, UNDIFFERENTIATED, अनडिफ्रेंशिएटेड mass of cell कहते हैं, जिसके द्वारा हम लोग आर्टिफिशियल कंडीशन में एस्पेक्टिक कंडीशन मतलब वायरस माइक्रोस फ्री बनाते हैं और उसमें न्यू प्लांट को फार्म करते हैं। तो कैलस क्या होगा? अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी डिवाइडिंग मास ऑफ सेल मेंटेन्ड इन कल्चर, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, व्हिच इज माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड, कौन सा एक माइक्रोबियल कीटनाशक है? तो माइक्रोबियल कीटनाशक है बेसिलस थ्रीएंजिनेंसिस, TRIENGGIENSIS, बेसिलस थ्रीएंजिनेंसिस, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, हाइब्रिड बिगर को मेंटेन किया जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है? इसमें जो है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अब्सेंस में वेजिटेटिवली जो रिप्रोड्यूसिंग प्लांट हैं वो लेस लाइबल होते हैं टू लूज विगोरस ड्यू टू अब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, लिटिल लाइबल, कम लाइबल टू लूज विगोर ड्यू टू अब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट आर प्रोड्यूस्ड बाई, पौधों की नई किस्में उत्पन्न की जाती हैं, किसके द्वारा उत्पन्न की जाती हैं? तो सेलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन रिक्वायर्ड होती है फार्मेशन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी के लिए, सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन रिक्वायर्ड होती है। ये वैरायटी जो सिलेक्शन हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा बनाई जाती है ये डिजीज रेजिस्टेंट होती हैं और कैन रजिस्टर करती है चेंज इन एनवायरनमेंट को। तो इसमें न्यू वैरायटी के लिए सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, म्यूटेशन की वजह से नहीं, इंट्रोडक्शन की वजह से नहीं, और सिलेक्शन एंड इंट्रोडक्शन की वजह से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये फर्न कॉमनली इनोकुलेटेड पैडी फील्ड इज, ये कह रहा है कि एक फर्न जो धान के खेत में इनोकुलेट किया जाता है, तो धान पैडी फील्ड में क्या होता है? ये जोला होता है, ये जोला जो होता है ये सिम्बायोसिस करता है किसके साथ? एनाबीना के साथ करता है। और यह क्या हेल्प करता है? यह नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन FIXATION नाइट्रोजन फिक्सेशन को, नाइट्रोजन को फिक्स करता है यह जोला। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, नॉर्मन बारलॉग एक साइंटिस्ट थे,
नॉर्मन बॉरलॉग फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन डेवलप न्यू वैरायटी ऑफ नॉर्मन बॉरलॉग हरित क्रांति के जनक ने किसकी नई किस्म विकसित की। तो नॉर्मन बॉरलॉग जो होते हैं ये क्या किए थे, नॉर्मन बॉरलॉग जो होते हैं मैक्सिकन वैरायटी किसको किसके बनाए थे, व्हीट एंड मेज के बनाए थे। और नोबेल प्राइज भी मिला था एम एस स्वामी नाथन को, किसमें, डेवलप हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ व्हीट इन इंडिया में। तो इसमें व्हीट ऑप्शन राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन व्हीट, क्योंकि नॉर्मन बॉरलॉग इसमें दे दिया। वैसे नॉर्मन बॉरलॉग तो व्हीट और मेज दोनों मैक्सिकन वैरायटी बनाए थे, लेकिन इसमें दे दिया फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन डेवलप इन न्यू वैरायटी, तो वो ह्यूट व्हीट गेहूँ के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, ये कंपाउंड व्हिच इज प्रोड्यूस बाय ऑर्गेनिज्म एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, किसी एक जीव द्वारा उत्पन्न यौगिक किसी दूसरे जीव की वृद्धि को रोकता है वह यौगिक है। ये कह रहा है इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, तो एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या है, एंटीबायोटिक्स एक केमिकल सब्सटेंस है जो ये काम करता है प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट, ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, मॉडिफाइड एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर बाय द टेक्निक ऑफ, परिवर्धित एंटीबॉडी का निर्माण निम्न तकनीकी द्वारा होता है, किस तकनीकी के द्वारा होता है, मॉडिफाइड एंटीबॉडी आर मैन्युफैक्चर किसके द्वारा होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक टेक्निक है उसी के द्वारा होता है। तो इसमें वर्नेलाइजेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बायोगैस कंसिस्ट ऑफ, 138 नंबर क्वेश्चन, बायोगैस बनी होती है, बायोगैस किसका मिक्सचर होता है, किस गैस का मिक्सचर होता है, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें मैक्सिमम मीथेन होता है जो माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड व्हिच मे बी यूज टू फ्यूल, फ्यूल में यूज किया जाता है, मैक्सिमम मीथेन होता है, मीथेन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसमें भी नहीं है ऑप्शन गलत हो जाएगा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4 एंड प्लस हाइड्रोजन, ये तीनों होना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया व्हिच आल्सो फार्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ वाटर फर्न एजोला, एजोला अगर दे दिया तो एनाबीना के साथ ये क्या सिम्बायोसिस बना लेता है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया इसमें ऑप्शन में नहीं है ना, साइनोबैक्टीरिया है ऑप्शन में नहीं है, साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ बायोफर्टिलाइजर, बायोफर्टिलाइजर का पेयर कौन सा है, निम्न में कौन साथ युग्म जैव उर्वरक का है, तो वो कौन कौन से हैं, उसमें जो पैडी फील्ड में साइनोबैक्टीरिया आते हैं इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर होता है, तो साइनोबैक्टीरिया में कौन कौन आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आल्सो एंड ऑर्गेनिक मैटर द सॉइल एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी, तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी होगा और एजोला भी होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ बायोफर्टिलाइजर, एजोला एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्वेश्चन हो गया है, इन आवर स्टोमच द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन, हमारे आमाशय में उत्पन्न लैक्टिक अम्ल का बहुत लाभदायक कार्य है, हमारे स्टोमच में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं और वो क्या करते हैं, वो प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल होता है इनका, जो माइक्रोब्स हम लोग को डिजीज काज करते हैं उसको चेकिंग करता है मतलब रोक देता है, तो चेकिंग डिजीज काजिंग माइक्रोब्स, तो ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, डाइजेशन में नहीं, प्रोडक्शन में नहीं, न्यूट्रलाइजेशन में नहीं, इसमें सब नहीं होता, चेकिंग करता रोक देता है। 142 नंबर क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एट सुइटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई 10 इस प्रकार कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड में, दही में, व्हिच इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशन क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग, लैक्टिक अम्ल जीवाणु एक उपयुक्त तापक्रम पर जनन करते हैं, दूध को दही में बदलते हैं जो किसकी पोषण गुणवत्ता को सुधारते हैं,
तो इसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक इसमें एसिड प्रोड्यूस करते हैं और वो एसिड कागुलेट एंड पार्सली डाइजेस्ट करता है मिल्क मिल्क प्रोटीन को एंड विटामिन B12 को। तो इसमें प्रोटीन दिया नहीं गया है, विटामिन B12 दिया गया, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें B2 दिया गया, इसमें B6, इसमें फोलिक एसिड, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 143, दी रिक्वायर्ड चीज इज राइपेंड बाई ग्रोइंग ए स्पेसिफिक राकी फोर्ट पनीर को निम्न द्वारा बनाया जाता है। तो रिक्वायर्ड चीज जो है कैसे बनाते हैं, इसमें रिक्वायर्ड चीज जो होती है वो राइपेंड बाई ग्रोइंग ए स्पेसिफिक फंजाई के द्वारा बनाई जाती है। तो इसमें कौन सा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पेसिफिक फंजाई के द्वारा बनाया जाता है जो कि पर्टिकुलर फ्लेवर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हु अवार्डेड ए नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इन 1945। नोबेल पुरस्कार द्वारा 1945 में एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया। तो इसमें फ्लेमिंग चैन एंड फ्लोरे को दिया गया। ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो बनाई गई थी ये बहुत अधिक मात्रा में यूज किया गया था, कब, जब ट्रीट किया गया था अमेरिकन शोल्डर को, अमेरिकन शोल्डर का जब घाव हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तब यूज किया गया था। और इसमें फ्लेमिंग चैन एंड फ्लोरे जो हो थे उसमें अवार्डेड नोबेल प्राइज से किए गए थे, किस सन में, 1945 में किए गए थे, 1945 में किए गए थे। कौन कौन, फ्लेमिंग चैन एंड फ्लोरे, तो ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, बॉटल जूस आर क्लेरिफाइड बाय द यूज ऑफ, बॉटल जूस जो होता है उसको कैसे क्लियर किया जाता है, तो उसको क्लियर करने के लिए पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज यूज करते हैं, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। लाइपेज तो लॉन्ड्री में यूज करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज भी नहीं इसको किया जाता, ऑर्गेनिक एसिड भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, ये बायो एक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ये दैट इज यूज एज एन इम्यूनो सप्रेसिव इज ऑब्टेंड फ्रॉम, जैव एक जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन है जिसका उपयोग इम्यूनिटी सप्रेसिव के लिए किया जाता है, वह प्राप्त होता है साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है साइक्लो साइक्लो SC क्या CYSPORIN साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो दैट ये यूज किया जाता है इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, इम्यूनो को सप्रेस करने के लिए इम्यूनिटी को। और ये कब यूज किया जाता है, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे किडनी लीवर को जब ट्रांसप्लांट करते हैं तब ये यूज किया जाता है, उस पेशेंट में यूज किया जाता है। और ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, तो एक फंगस है, कौन सा फंगस है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, क्या है ये, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक FUNGUS फंगस है जो यूज किया जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो, थैंक यू फ्रेंड्स।